फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक। तो आज की वीडियो के कवर पिक्चर से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो है पॉलिटी यानी जीएस के पॉलिटी सेक्शन के बारे में प्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको बहुत ज्यादा पॉलिटी में नहीं पढ़ना है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं और उस क्रम में पढ़ लेते हैं तो आपके प्री में पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस क्रम में पॉलिटी कम्प्लीट करना चाहते हैं, तो मैं उसी क्रम में आप लोगों के लिए वीडियोज अपलोड करूंगी। लाइक अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और नए यूजर हैं तो आगे की वीडियो अपडेट के लिए मेरे चैनल के रेड बटन यानी कि सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में पॉलिटी के टॉपिक्स बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं। बल्कि मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसके बाद आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो वो तरीका आप देखिएगा जरूर, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बात बताइएगा कि इसमें से आप जो है इस तरीके से पॉलिटी को तैयार करते हैं या नहीं करते हैं। क्या आपके पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आंसर आते हुए भी कंफ्यूजन होता है, गलत हो जाते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए बेसिक चीज मैं बता देती हूँ कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्री की तैयारी के समय पॉलिटी के 10 टॉपिक होते हैं। पहला है संवैधानिक विकास, दूसरा है संविधान का परिचय, तीसरा है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और नीति निर्देशक तत्व यानी कि मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, चौथा है संघीय सरकार यानी कि संसद, पांचवा है राज्य सरकार, छठा है न्यायपालिका, सातवां है संवैधानिक संशोधन और अनुच्छेद, आठवां है पंचायत और नगर पालिका यानी कि स्थानीय शासन, नौवां है निर्वाचन आयोग, दसवां है परिसंघात्मक प्रणाली। अब आप सोचेंगे ये 10 टॉपिक तो आपको भी पता है, इसमें मैंने नया क्या बताया। लेकिन आप देख सकते हैं इन सारे टॉपिक के बगल में मैंने फिर से वही सारे टॉपिक लिखे, लेकिन क्रम थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। ऐसा क्यों मैंने लिखा हुआ है? तो चलिए वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए ये टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी में जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। लेकिन ये जो है ये पढ़ने का क्रम है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी तैयारी करते हैं तो किताब उठाते हैं और लेसन वाइज जिस तरह से पढ़ते हैं, जैसे हमने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की वैसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग टॉप करते हैं या अच्छे रैंक होल्डर होते हैं वो उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो लोग एक सही पैटर्न पे सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं। तो वो डायरेक्शन यही है कि आपको पढ़ने का सही क्रम पता होना चाहिए। अब ये क्रम कैसे डिसाइड करिएगा आप कि नहीं मुझे पहले संवैधानिक विकास नहीं पढ़ना है, मुझे पहले संसद पढ़ना, ये कैसे डिसाइड किया मैंने? तो इसके डिसाइड करने का मैं आपको पूरा पैटर्न बता देती हूँ। ये है आपका पढ़ने का क्रम। सबसे पहले आपको पॉलिटी में पढ़ना होगा संसद, इसके बाद पढ़ना है न्यायपालिका, फिर पढ़ना है मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद संविधान के संशोधन और अनुच्छेद, फिर संवैधानिक विकास, फिर संविधान का परिचय, फिर पंचायत, उसके बाद परिसंघात्मक प्रणाली, फिर निर्वाचन और राज्य सरकार, और लास्ट में विविध चीजें पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है बुक्स का नाम, जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको लक्ष्मीकांत या कोई भी सुभाष कश्यप या जो भी किताब से आप पढ़ रहे हैं एक टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। साथ में एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन इसी क्रम से पढ़ना है। क्यों इस क्रम से पढ़ना जरूरी है? अगर आप पिछले 2 से 3 साल का पैक या क्वेश्चन उठा लेते हैं, चाहे आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, एमपीपीसीएस दे रहे हो, कोई भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आप क्वेश्चन बैक ईयर क्वेश्चन उठाते हैं तो आप देखिएगा कि 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में संसद से पूछा गया है। सेकंड नंबर पे न्यायपालिका से 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। मौलिक अधिकार कर्तव्य से 15 क्वेश्चन, इसके अलावा इससे आपके 12 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यानी ये है। इससे पता चलता है कि लोक सेवा आयोग, किसी भी लोक सेवा आयोग के फेवरेट टॉपिक कौन से हैं। पॉलिटी में अगर आप पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ पाते हैं, शुरू के 5 टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, तो आपके कम से कम उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और इसी टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों ना चलिए 6 शुरू का 6 टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया जाए। पूरी किताब को पढ़ने से अच्छा है कि जो हमें पढ़ना है जितना पढ़ना उतना ही पढ़े। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, ना ही पीटी में आपको टॉप करना है, ना ही आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना है। सेलेक्टिव पढ़े ना कि कलेक्टिव पढ़े, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में मेंस में भी मैंने बताया था कि कलेक्शन मत करिए, सिलेक्शन करके पढ़िए। तो पॉलिटी के इस 10 टॉपिक्स में स्टार्टिंग जब आप करिए तो आप ये 6 से 7 टॉपिक को स्टार्टिंग, तो अगर आपके पास टाइम है तो पूरा ही पढ़िए, ठीक है। लेकिन लास्ट के 1 मंथ में अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर जाइए, क्योंकि ये पेट टॉपिक्स हैं किसी भी लोक सेवा आयोग के।
लेकिन अब इसको अच्छे से कवर कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ने का क्रम, संसद पढ़ना है पहले आपको, फिर आपको न्यायपालिका खत्म करना है, फिर बीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी को खत्म करना है, फिर संविधान के इम्पोर्टेंट संशोधन और अनुच्छेद, उसके बाद संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संविधान का परिचय जिसमें नागरिकता भी आएगा, सारी चीजें आएंगी, और उसके बाद आपको पंचायत पढ़ना है, फिर परिसंघात्मक प्रणाली यानी कि केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है, उसके बाद निर्वाचन आयोग, फिर राज्य सरकार पढ़ना है। इस क्रम से आपको पॉलिटी पढ़ना है, ना कि इस क्रम से आपको पॉलिटी पढ़ना है। ये इस तरीके को आप प्लीज फॉलो करिए, आपको खुद एग्जामिनेशन हॉल में अपनी तैयारी में और अपने आंसर जब आप टिक मारिएगा तो आपको खुद अंतर समझ में आएगा। चलिए कैसे पढ़ना है वो बता देती हूँ। ल्यूसेंट हर कोई पढ़ रहा होगा क्योंकि ल्यूसेंट तो है गीता किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो अपनी गीता को छोड़िए मत। और लेकिन ल्यूसेंट के अलावा जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये भारतीय राजव्यवस्था शासन के पूरा पिछले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस लोअर एग्जाम या रेलवे का एग्जाम, सारे एग्जाम में पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए उसका डिस्क्रिप्शन के साथ इस किताब में दिया हुआ है। आपको किसी भी पब्लिकेशन का मिल जाए आप उसको ले लीजिए, इसको जरूर से लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब कैसे फायदेमंद होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारा टॉपिक्स बांटा गया है, भारत का संवैधानिक विकास, ब्रिटिश ताज के अधीन, संविधान सभा का संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो आपको इस तरह से डेट वाइज बांट लेना जैसे कि मैंने सामने लिखा है ना, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने में प्री का नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करिए, इसमें ऑलरेडी नोट्स दिया हुआ है। इसके अलावा आपको कहीं और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं जो कि नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें सारा कलेक्शन किया हुआ है, तो आप इसको बगल में कहीं नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, जब आप पढ़ रहे हैं तो जो चीजें आपको अच्छे से याद है उसमें बिल्कुल भी मार्क मत करिए, जिन चीजों को आपको लगता है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है उसको अलग मार्क कर लीजिए, अलग कलर के मार्कर से, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप सिर्फ फटाफट से वही रिवीजन करिए एग्जामिनेशन टाइम में, क्योंकि उस समय रिवीजन का टाइम कम होता है। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जब भी जहां भी पूछा गया हो आप उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस जो फॉर्म होते हैं बीपीएससी में, तो जरूरी नहीं कि जो बीपीएससी में पूछा गया वही क्वेश्चन पूछे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर नहीं रटना है बल्कि आपको उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बनेगा, तो आपको क्वेश्चन याद करना है, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ के रट लेना है, याद कर लेना है, लेकिन उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना, ताकि इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको गलत ना करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट को अगर इस पैटर्न से पढ़ते हैं तो बहुत रेयरेस्ट रेयर होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, क्योंकि इस तरह से सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बैक ईयर क्वेश्चन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने पूछे गए आपका रिविजन भी हो जाएगा, और अगर कोई नया क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर जानते होंगे क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इस पैटर्न को आप फॉलो करिए, आपको खुद अपना पढ़ाई में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके में सब में अंतर दिखेगा, बहुत कम समय में आप बहुत सही से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और ये सिर्फ प्री में ही नहीं आपके मेंस में भी आपको बहुत यूजफुल होगा। किस तरह से होगा मैं आगे आपको वीडियोज में अपलोड करके जरूर बताऊंगी। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये ओल्ड स्टूडेंट्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पैटर्न को जरूर फॉलो करें, दोनों लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्री में आपका कंफ्यूजन में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसको मैंने कहीं पढ़ा है, क्योंकि ये अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं ना कलेक्शन तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस तरह से ल्यूसेंट जो है वो किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए गवर्नमेंट जॉब के एक गीता का काम करती है, तो ये समझ लीजिए कि गीता पार्ट टू है, ठीक है। बस ये सब्जेक्ट वाइज है तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, और एग्जाम के एक महीने पहले आप सारी किताबें बंद कर दीजिए, सिर्फ ये सारे कलेक्शन पढ़ लीजिए पॉलिटी का या सब्जेक्ट वाइज। आगे की वीडियो में बाकी सब्जेक्ट्स का मैं बताऊंगी, तो प्लीज अगर नए यूजर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के पूरे पैटर्न से मैं आप लोगों को आगे भी अपडेट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक।